गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। आज इंटरेस्टिंग दिन है, आज थर्सडे है। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की हम लोग करेंगे तैयारी, और इस बीच बहुत तगड़ा मोमेंटम, बहुत अच्छी लिक्विडिटी भारतीय बाजारों में एफआईआई की तरफ से देखने को मिली थी। अच्छा पैसा झोंका गया और 17,225 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने छुए। हाँ, उन स्तर को छूने के बाद इवेंचुअली कमजोरी के साथ बंद जरूर हुए, लेकिन है बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड इस समय इक्विटी मार्केट्स के लिहाज से। ऐसे में ग्लोबल कितने सपोर्टिव क्यूज हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो ग्राउंड रिपोर्ट में अमेरिका में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड है, कॉन्फ्लिक्टिंग आंकड़े आए थे ऐसा नीरज जी कुछ देर पहले बता रहे थे, तो उनकी पिच में उनसे जान लेंगे। लेकिन ये रहा यूएस का कामकाज। डाओ में कुछ प्रेशर था, लेकिन उसके विपरीत अगर नैसडैक देखते तो एक तिहाई फीसदी का उछाल था, रिकॉर्ड नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लगाता हुआ नजर आया। तो हम जो डाइजेस्ट करके गए थे, अगर मैं डाओ देख के गया था तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। जो डाइजेस्ट करके गया था कल 3:30 बजे नैसडैक के लिहाज से, उससे बेहतर नैसडैक का परफॉर्मेंस था, तो मिला जुला सेशन था। ऐसे में क्विकली एशियाई पैक दिखा दीजिए और हमारा एसजीएक्स निफ्टी दिखा दीजिए, क्योंकि मिले जुले क्यूज थे, हम फ्लैटिश ओपनिंग के साथ ही नजर आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि शायद भारतीय बाजारों में हल्के ग्रीन टिक के साथ ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग के आसपास शुरुआत होती हुई नजर आएगी। ऐसे में नीरज जी पिच कैसी है, पिच दिखाइए तो जरा नजर आएगी। ये आई देखो, एकदम सपाट दिख रही ना, कोई क्रैक शैक्स नहीं दिख रहे, थोड़ा सा इधर यहाँ पे दिख रहे हैं। ये वाला कौन सा है, इधर से बॉलिंग करेंगे आप? ये मार्जिन वाला इशू है क्या? लेकिन जो पिच दिख रही है उससे आज फर्स्ट हाफ में मार्केट वोलेटाइल रहेगा, सेकेंड हाफ में बहुत स्मार्ट रिकवरी आएगी, बैंक्स रीड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, कल भी मैंने बैंक रखे थे, दो तीन चले थे, सब नहीं चले थे, ठीक है वो आज भी चलेंगे मुझे लगता है। बैंक ही कल फ्लेवर में थे, कल ही फ्लेवर बैंक में थे। मुझे लगता है कि जो अमरीकी बाजारों के हम लोग चिंता करें, ग्राउंड की, ग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, आप मार सको तो मारो और जाएगी बॉल वहां तक। जो कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर की हम लोग बात करें, पीएमआई बहुत अच्छा आया, जॉब डेटा कमजोर आया, तो और अच्छी बात है। जॉब डेटा जितना कमजोर आएगा स्टिमुलस उतना बरकरार रहेगा, तो जैसे देखना लोगों को पॉजिटिव देखना। Exactly. ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल है, आपका नजरिया है? नजरिया है। और जो नैसडैक है ना, अगर आप उसके फ्यूचर्स में जाके देखिए, जो बहुत ऊपर ट्रेड हो रहा है वो, तो ये जो रैली टेक स्टॉक जिनको ग्रोथ स्टॉक भी आजकल लोग कह रहे हैं, बहुत ही सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही 3 दिन का वीकेंड पड़ रहा है अमरीका में, लेकिन मुझे लगता है बहुत सॉलिड रैली बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तेजी। 3 दिन का वीकेंड मतलब ये फ्राइडे या मंडे छुट्टी? मंडे छुट्टी। ओके, तो यूएस में मंडे मार्केट हॉलिडे आने वाली है, एक्सटेंडेड वीकेंड की वहां पे तैयारी। लेकिन संकेत अच्छे हैं, अगर आप मार सके तो मारे, तो बेसिकली आपका स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके। हाँ, जैसे कुछ लोग डॉलर वीक है तो देख के अगर आपने आईटी शॉर्ट किया तो फंस सकते हैं। ठीक बात। तो है तो आज मेरे पास 10 के 10 बल्लेबाजी। शुरुआत कर देता हूं, थर्सडे है, वीकेंड आ रहा है, यूएस में एक्सटेंडेड वीकेंड की तैयारी हो रही है, कल थोड़ा सा मूड माहौल बनना शुरू हो चुका था उस वीकेंड में, हमारे यहाँ अगला वीकेंड एक्सटेंडेड है। आप समझिए मैं कहाँ भूमिका बना रहा हूँ, लेकिन आज वो देसी का तड़का नहीं है, आज एकदम अंग्रेजी माल है, यूनाइटेड स्पिरिट्स या मैकडॉनल्ड्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और इन मैकडॉनल्ड्स हुआ या यूएसएल हुआ, इन दोनों का मोमेंटम देख के लग रहा है शायद ये रैली आज और कल के बीच में बाकी लिकर स्टॉक्स में भी स्पिल ओवर होती हुई नजर आएगी। खैर वो एक अजम्पशन हो गया, लेकिन जो कल अच्छा मोमेंटम आया, नए पुराने सारे जो इश्यूज थे वो हमेशा अटकने के भाव के लिहाज से कई सारे स्टॉक ऐसे ही बढ़िया ब्रेकआउट्स दे रहे हैं, उनमें से एक यूएसएल है। मुझे लगता है अच्छा मोमेंटम आज भी कंटिन्यू होना चाहिए, बस एक ही इशू है, कल एक ने नहीं सब ने नोटिस करा है कि यूएसएल की जो चाल थी, तो एक बार का कंसेंसस ट्रेड बन जाता है तो शुरुआती मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो जरा स्क्रीन को वॉच आउट करेंगे, इवेंचुअली अच्छी तेजी आनी चाहिए, तो इसीलिए वो 750-760 के टारगेट्स दिखाना चाहिए स्टॉक को खरीदारी करने का मन। कैम्पला सनमार, वो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी जिसकी लिस्टिंग ठंडी हुई थी, कंसर्न्स थे स्ट्रीट पर कि 2012 की डीलिस्ट कंपनी फिर से रिलिस्ट होने आई, तब ये मार्केट कैप, आज ये मार्केट कैप, ये सब नहीं देखने का। इस बीच 8 साल में क्या बदला है उस पर फोकस करिएगा। कुछ दिन पहले इसी प्लेटफॉर्म पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे बहुत सारे मार्की इन्वेस्टर्स, घरेलू संस्थागत निवेशक जो ऑलरेडी अच्छी होल्डिंग रखते थे, कैसे एग्रेसिवली स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। तो इस स्टॉक को रेडअप रखिएगा, धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप कर रहा है, डे ऑन डे बढ़िया जंप आ रहा है। कल खबर ये आई कि भाई वो एनसीडीज जो दिसंबर में इस कंपनी ने जारी कर रहे थे 2019 में,
1238 करोड़ रुपए के आसपास की वो सारे रिडीम कर लिए। ये आईपीओ का वैसे प्रोस्पेक्टस का पार्ट था, इश्यू का पैसा जुटाए हुए का एंड यूज था, तो वो बर्डन जो कंसर्न्स थे एक डेट की पूरी तरह से खत्म होती हुई। मुझे लगता है ये स्टॉक अभी भी अच्छा मोमेंटम दिखाएगा 560 के टारगेट्स। मोरपन लैब्स को स्क्रीन पर लेकर आइए काफी दिनों बाद, और आज इसीलिए ले रहा हूं, वो कोविड हमने डायग्नोस्टिक कारोबार उसमें अच्छा टूल पकड़ना वो सब अब ठंडा पड़ा है, पर इस कंपनी ने न्यूयॉर्क कंपनी में जब मैनेजमेंट आया था तब भी मेंशन कर रहा था कि ये लोग डायग्नोस्टिक कारोबार को अलग करने की तैयारी कर रहे हैं। उसी कड़ी में मेडिकल डिवाइसेस का कारोबार जिसे हम कहते हैं, उसी कड़ी में कल अनाउंसमेंट आ गया है कि पूरा का पूरा वो मेडिकल डिवाइसेस का कारोबार जो है होली ओन्ड सब्सिडरी में ट्रांसफर करने की बोर्ड की मंजूरी आ गई है, तो वैल्यू अनलॉक करने की तैयारी हो रही है। इसीलिए मुझे लगता है मोरपिन जो 70-75 के हाईस थे करेक्ट हुआ था, तो करेक्ट इसलिए भी हुआ था क्योंकि बहुत तगड़ा स्पाइक आया था कोविड की वेव्स के बीच में, फिर कोविड की वेव्स ठंडी पड़ी लकीली तो ये स्टॉक भी ठंडा पड़ गया। अभी तो खैर मैं मान के चल रहा हूँ वो वैल्यू अनलॉक का प्रपोजिशन जो है बाजार उस पर फोकस कर सकता है शायद 54-55 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करने के मौके, और इसके प्रोडक्ट का टूल पकड़ रहा है। हम लोग जो साइड में बैठे हुए बाजार की तेजी करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं वो लोग बर्नौल का भी इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। कितना 6-7 गुना बढ़ा है ना? हाँ क्या चीज उसकी इसका बर्नौल का जो सेल बढ़ा है था। हाँ कल एक कैसा चल रहा था व्हाट्सएप पे तो मैं मान के चल रहा हूँ वो सही होगा 6-7 गुना तो, मतलब कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है। देखो कई बार मीम जो है फैक्ट पे बनते हैं तरह तरह के। आपने कितने 3 स्टॉक बताए? 3 हो गए। अच्छा मैं क्या 5 एक साथ बताऊंगा? ठीक है मेरे सब एक ही तरीके के। ओके ओके। बैंक कल भी हमने कहा था तो ICICI बैंक, कोटक, HDFC, एक्सिस और SBI टॉप बैंक्स जितने हैं इस पे ध्यान रखिए। कल स्टॉक चले थे ये सारे बैंक वाले, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बैंक में मेरा फोकस है। सारे स्टॉक आप दिखाते रहिए डॉक्टर साहब, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी के सामने और इसमें एक बड़ी रैली बनेगी। मैं अगर मैं मेरा ये विश्वास है कि निफ्टी अब 18,000 की तरफ चल पड़ा है और वो एडल्ट हो जाएगा तो बैंक निफ्टी को उसको कैचअप करना पड़ेगा। या तो मैं ये मान लूँ कि निफ्टी नीचे आएगा, लेकिन निफ्टी नीचे नहीं आने की मुझे यकीन है, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी कैचअप करेगा और बड़ी तेज़ी बैंक निफ्टी में बनेगी। अब वो एकदम से आज ही बन जाएगी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो टॉप बैंक्स हैं इस पर बनेगी। दूसरा, इसको अगर थोड़ा सा बैंकिंग को ब्रॉडर पढ़ें तो जो बड़े बैंक्स हैं उसमें बिजनेसेस अभी भी बेहतर चल रहे हैं। HDFC बैंक का जो SME लोन ग्रोथ है वो 25% की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो छोटे छोटे बैंकों को या जो कमज़ोर बैंक हैं उनमें ये दिक्कत ज़रूर है, लेकिन जो बड़े बैंक्स हैं उसका बिजनेस बहुत अच्छा दिख रहा है, क्रेडिट ग्रोथ उनकी अच्छी हो रही है, तो मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। इसीलिए हमने 5 बैंक लिए हैं शुरुआत में और सारे टॉप बैंक हैं, 4 प्राइवेट हैं और 1 सरकारी बैंक। निफ्टी बनेगा एडल्ट, यस, पर इसमें गड़बड़ी हो जाएगी, सेंसेक्स बन जाएगा फिर सीनियर सिटीजन। अब देखो ये तो प्रकृति का नियम है कि अगर लड़के बड़े हो रहे हैं तो पिताजी थोड़े से बड़े होंगे। अच्छा अगला स्टॉक जो है धनसेरी वेंचर्स, तो कल इसमें खबर आई कि ये लोग एक प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं, 1,250 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। उसके पहले चरण में पॉलिएस्टर फिल्म्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी जिसकी 45,000 टन्स पर एनम की कैपेसिटी होगी, जिसपे 400 करोड़ रुपए की लागत, और फिर उसके बाद पूरा इंप्लीमेंटेशन प्लान इस कंपनी ने सामने रखा है। तो ये बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया, ये स्टॉक की बुक वैल्यू ध्यान रखें 460-470 रुपए के आसपास चल रहा है, 288 पे आप रखेंगे। जेट ये सब ट्रेडिंग बेट्स हैं, ध्यान रखिएगा उसी तरह से ट्रीट करिएगा। मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट थोड़ा हरकत में लौटना चाहिए। जेट एयरवेज करेक्ट हुआ है और वैलिड रीजंस के साथ करेक्ट हुआ था, कंसर्न्स थे, पर कल नेटवर्क एक्सक्लूसिव ये कहती है कि जेट Q1 अब आने वाला जो अगला है FY 2022 का उसमें अपनी फ्लाइट्स के रिजम्पशन की शुरुआत कर रहा है। तो इसके लिए दरअसल मार्केट प्लेस में हायरिंग शुरू हो चुकी है, तो पुराना स्टाफ रीहायर करा जा रहा है, नया स्लॉट लिया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट्स को स्लॉट्स के लिए एयर ऑपरेटर परमिट के लिए अप्लाई कर दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लॉट्स हैं जिसको लेकर अभी समय कंसर्न्स है। तो इंटरग्लोब, स्पाइसजेट, बाकी कैरियर्स को जो स्लॉट जेट के दे दिए गए थे
क्या वो वापस मिलेंगे, इनको फ्रेश स्लॉट्स कौन से मिलेंगे, अब वो बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, उस पर नजर रखेंगे। लेकिन खबरें आ रही हैं उस बीच में 75 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स सारे ट्रेड्स पे, क्योंकि मैं ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस की बात कर रहा हूँ, सब पे स्टॉप लॉस लगा के अप्रोच करेंगे। डिपेंडेबल, हाँ डिपेंडेबल में डॉक्टर रेड्डीज को लिया है, दो रीजन्स लिया, तो इसका GDR काफ़ी ऊपर दिख रहा था मुझे, और दूसरा ये कि इसने भी काफ़ी निचले स्तर देख लिए हैं, कंसोलिडेट हुआ है, और यहाँ से अब एक मजबूत रैली मुझे इसमें दिख रही है, क्योंकि सब कुछ इंटैक्ट है, लेकिन बीच बीच में कुछ छोटी मोटी खबरें आती हैं जिससे स्टॉक में करेक्शन आया है। तो इस समय फोकस पूरा जो है फ्रंट लाइन लार्ज कैप काउंटर्स पे ही है, क्योंकि रैली वहीं कंसोलिडेट होती हुई दिख रही है। तो डॉक्टर रेड्डीज में भी ट्रेडिंग के लिहाज से 4790-4800 का टारगेट लीजिए, और ये अचीव हो जाएगा तो फिर यहाँ से और ऊपर की रैली बनेगी, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना टारगेट। आपको और गाबा जी को भी यही पसंद आ रहा है, गाबा जी को डॉक्टर रेड्डीज के तौर पर डॉक्टर रेड्डीज मेंशन कर रहा था डिस्क्लोजर के साथ कि मेरे पास है गाबा जी। अच्छा गाबा जी बेचते नहीं कभी, जो ले लेते हैं वो नहीं छोड़ते, ऐसा बताते हैं हो तो सच ही कह रहे होंगे। मिंडा कॉरपोरेशन, मिंडा कॉरपोरेशन में अच्छा जो ग्रीन मोबिलिटी पे फोकस कर रहा है उस पर ध्यान रखिएगा। आपको अड्डा कब करने वाले हो इस ईवी? आज शाम को ही आप देखिए, आज शाम को ही है क्या? यस, पिछले चार दिन से पढ़ रहे हैं और मैंने सुना है कि ईवी का कहीं पे क्लियर कट डेटा तो मिलता नहीं है, तो आपने बहुत बटोर लिया है। अरे बहुत इधर उधर से जुगाड़ करनी पड़ेगी, तो आपको एक बढ़िया शो सारा वो ज्ञान जो है एक घंटे में समाता हुआ नजर आएगा। तो ईवी स्पेस में तो वैसे ही फोकस मिंडा कॉरपोरेशन लेकिन रडार पे, क्योंकि मिंडा की होली ऑन सब्सिडरी स्पार्क मिंडा ने एक EVQ Point Solutions नाम की कंपनी में 26% स्टेक अक्वायर करा है। बेसिक आइडिया ये कि EVQ Point स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्रोडक्ट्स और उसके सॉल्यूशंस मुहैया कराने का काम करता है। तो मिंडा कॉरपोरेशन जो ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस कदम में ये एक्विजिशन होता हुआ है। मैं ऐसी कंपनी से खासतौर पर रडार पर रख रहा हूं, मिंडा कॉप में खरीदारी का मान 128-130 तक के लेवल्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार अगले दो स्टॉक्स यानी कि ट्रीम्स का फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब आखिरी के चार स्टॉक्स में से पहले दो। अभी आशीष कह रहे थे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत दम है, चलेगा तो चलेगा, तो माल बिकेगा, माल बनाएगा कौन, एसोसिएटेड अल्कोहल बनाएगी तभी तो बिकेगा तो इसीलिए उसको लिया है। लेकर स्टॉक्स में रैली है इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही मजबूत दिख रहे हैं। तो इनका जो मेन काम है एसोसिएटेड अल्कोहल का, ये अपने कुछ ब्रांड्स बनाते हैं, बाकी ज़्यादातर ये बड़ी कंपनीज के लिए काम करते हैं, तो इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं उसी बेट कर रहा हूँ, USL चलेगा तो ये भी चलेगा, 450 का टारगेट इसमें लेके चल सकते हैं। IEX ये स्टॉक बहुत चला है, FNO में आ रहा है, ये सब बात की स्टोरी है। असली स्टोरी यहाँ पे ये कि इतनी ज़बरदस्त पावर क्राइसिस है हिंदुस्तान में कि सरकार को कोल इंपोर्ट को प्रमोट करना पड़ रहा है, जबकि उनकी मजबूरी होती थी कि पहले कोल इंडिया का माल बिकवा लें, लेकिन शॉर्टेज है, 50% इंपोर्ट बढ़ चुका है कोल का। और अब इस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए बार बार कहा जा रहा है कि जिसके पास जहाँ जो भी है वो एक्सचेंज पे आके ट्रेड करें। तो IEX चूँकि मोनोपोली है, 95% मार्केट इनके पास पूरा एनर्जी का है, तो इसमें एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखेगी। मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए 575 का टारगेट लेते हुए। अच्छा अगले दो स्टॉक्स में एक तो एस चांद एंड कंपनी, कल इसने घोषणा करी कि ये अपना वेब और मोबाइल ऐप प्री स्कूल्स के लिए लेकर आ रहा है स्मार्ट के नाम से। तो मोबाइल लर्निंग एप्लीकेशन होगा जो कि डोमेस्टिक मार्केट को केटर करेगा, कंटेंट होगा ऐप में और 2D और 3D वीडियोज वगैरह डाले जाएंगे। तो कंपनी समय के साथ बदलने की कोशिश कर रही है, 120 के टारगेट्स। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, अब OFS आया था प्रमोटर्स का और बहुत तगड़ी पिटाई हुई स्टॉक की, 290 के लेवल से स्टॉक करेक्ट होके 160-165 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है। वो प्रमोटर्स का OFS क्यों आया था? सिर्फ मिनिमम शेयर होल्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मीटअप करने के लिए। प्रमोटर्स को ऑलरेडी 78.6% स्टेक था, 3.6% बेचा, 75% के थ्रेशोल्ड पे आके खड़ा हो गया। मुझे लगता है स्टॉक में रीसेंट प्रेशर के बाद चलना चाहिए, पर ध्यान रखिएगा ये 5% वाला है। मैं मान के चल रहा हूँ आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम पिकअप होगा, इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ। आप अपने रिस्क असेसमेंट के बाद ही स्टॉक में उतरेगा, 169 के टारगेट्स यहाँ पे आज के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार अगले दो स्टॉक्स और साथ में टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से, और आखिरी के दो स्टॉक्स है पावर कंपनीज, एक टाटा पावर एक अदानी पावर, दोनों में खरीदारी की सलाह है।
क्योंकि पावर की भी हमने आपको थोड़ी देर पहले स्टोरी बताई कि बहुत ज़बरदस्त डिमांड बढ़ रही है और उसके सामने कोल की शॉर्टेज है। तो सरकार जो अब तक इम्पोर्ट को बहुत एनकरेज नहीं करती थी कोल इंडिया की वजह से, अब वो खुद कह रही है कि इम्पोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कोल कम पड़ रहा है, इतना ज़्यादा चाहिए। तो उसकी वजह से उन कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा होगा जिनके प्लांट्स इस बिना पे अप्रूव हुए थे कि इम्पोर्टेड कोल वो यूज़ करेंगे। बीच में सरकार ने यह भी कहा था जो इम्पोर्टेड कोल लेके आते हैं अगर उनके पास एक्स्ट्रा है तो बेच सकते हैं दूसरी कंपनीज़ को, साथ ही पावर भी एक्सचेंज में जाके बेचे। तो ये अदानी और टाटा पावर दोनों के पास ये सिचुएशन है, तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अदरवाइज भी बेसिक फंडामेंटल स्टोरी जो पावर की चल रही है, ईवी की चल रही है, इन सब की वजह से पावर कंजम्पशन देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोनों स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं, अदानी पावर और टाटा पावर। दो और खरीदारी करने के कॉल, पहला है उसमें वैस्कॉन इंजीनियर्स, इसको गवर्नमेंट ऑफ गोवा से, इसको नहीं, इसके कंसोर्शियम है जिसमें ये कंस्ट्रक्शन पार्टनर है, कल एक ऑर्डर बैक करा है। तो 5000 सीट्स का कैपेसिटी का कन्वेंशन सेंटर खड़ा करना है, अभी वो डिजाइन फेज में, तो डिजाइन फेज फाइनली जब अप्रूव होगा, कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया है, डिजाइन फेज में एक बार फाइनल डिजाइन अप्रूव होगा तो क्वांटम पता चलेगा आपको उस ऑर्डर का। अच्छी खबर वैस्कॉन के लिए, 27 तक के टारगेट से अप्रोच करेंगे। वैसे ये पुणे बेस्ड कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट कंपनी है। कनेक्ट माइक्रोसिस्टम बहुत समय बाद रडार पे आया था जब इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स क्लॉक किए थे लास्ट क्वार्टर में। अदरवाइज एक समय रेलवे स्टॉक्स के नाम पे बहुत फेमस चलता था, बातचीत होती थी इसकी, उसके बाद थक गई थी कंपनी, लॉसेस क्लॉक कर रही थी, तो थोड़ा सा टर्न अराउंड। बीच में कंसर्न एक ही कि प्रमोटर्स का केवल 22% का स्टेक है इस कंपनी में, और कल इंटरेस्टिंगली एक नॉन प्रमोटर एंटिटी है जिसने अपडेट करा कि उन्होंने 3.5 लाख शेयर्स खुले बाजार से, यानी कि 2.8% इक्विटी इस कंपनी की एक्वायर करी। इस नॉन प्रमोटेड एंटिटी की ऑलरेडी 7.1% की होल्डिंग थी और इस एक्विजिशन के बाद 10% के थ्रेशोल्ड 9.95% पे वो लोग अपना स्टेक ले जा चुके हैं इस कंपनी में। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, बाइंग चल रही है, मुझे लगता है 74-75 तक के लेवल्स तक अप्रोच करिएगा, पर इन सब में वो सर्किट फिल्टर्स 5% के हैं, तो इन पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इन तमाम स्टॉक्स में। क्विकली मेरी 10 की टीम स्क्रीन पर दिखा दीजिए। एक्सपायरी का दिन 10 के 10 फिर से बल्लेबाज, शुरुआत करी थी एक ऐसे स्टॉक की से जो कल बहुत फ्लेवर में आया था, वैसे भी फ्लेवर है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, खरीदारी करने का मन, इसमें तेजी ब्रू कर रही है। कैंपला सनवार अपने एनसीडीज का भुगतान कर दिया और बीच में हमने अपडेट करा था कैसे म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। मोरपन लैब्स, वो मेडिकल बिजनेस जो है डिवाइसेस का, उसको एक होली ओन सब्सिडियरी में ट्रांसफर करने की तैयारी, वैल्यू अनलॉक की तरफ एक कदम बढ़ा दिया। धनसेरी वेंचर्स 1250 करोड़ रुपए केपेक्स पे खर्च करने वाली और ये वो स्टॉक है जो अपनी बुक वैल्यू से कहीं नीचे ट्रेड कर रहा है। जेट एयरवेज कल अपडेट आए कि वो उड़ाने की तैयारी हो रही है Q1 ऑनवर्ड्स, उसके लिए रिक्रूटमेंट वगैरह शुरू, स्लॉट्स की डिमांड शुरू हो चुकी है, तो देखते हैं सुखबगाट स्टॉक में थोड़ी बहुत रहेगी। मिंडा कॉरपोरेशन, वो ईवी कंपनी में स्टेक लेना, वो ई मोबिलिटी की तरफ कदम उठाना, अच्छी खबर। एस चांद ने एक ऐप लॉन्च करा है, तो ये कंपनी अपने धंधे को समय के साथ चेंज करने की कोशिश कर रही है। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स में प्रमोटर्स का OFS आया था, मैसिव करेक्शन स्टॉक में आया, पर OFS 75% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स की पूर्ति के लिए था, मुझे लगता है अब शायद स्टॉक में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। वैस्कॉन को गवर्नमेंट ऑफ गोवा से जो ऑर्डर मिलने की खबर थी जिसमें एक कंस्ट्रक्शन पार्टनर, और कनेक्ट माइक्रो में एक नॉन प्रमोटर एंटिटी की तरफ से एग्रेसिव बाइंग के चलते इनको रडार पर रखा है, लेकिन मिड कैप्स बहुत हैं, स्मॉल कैप्स बहुत हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए इधर हमारे साथ आइए, तो बिल्कुल टॉप फ्रंट लाइनर मिलेंगे, भारी भरकम शेयर। तो ये टीम जो है ये जीतने वाली टीम नहीं है, इस पे आप जो है बहुत अच्छा रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नहीं गेन कर सकते, क्योंकि बड़े स्टॉक हैं, फ्यूचर्स के स्टॉक हैं। ICICI बैंक, कोटक बैंक, HDFC, एक्सिस, SBI, ये हमने इसलिए लिए क्योंकि हमको लगता है कि बैंक शेयरों में एक कैचअप रैली होनी चाहिए, तो चूंकि लीड बड़े वाले बैंक ही करते हैं इसलिए उनको यहाँ पर लिया है। दूसरा मुझे लगता है कि डिपेंडेबल तौर पे डॉक्टर रेड्डीज काफ़ी गिरावट के बाद कंसोलिडेट किया और अब यहाँ से तेजी चलेगी और उसका ADR भी संकेत वैसे ही दे रहा है। एसोसिएटेड अल्कोहल इसलिए क्योंकि आशीष ने अपनी टीम में यूनाइटेड स्पिरिट्स लिया, तो अब उनका माल बिकेगा तो माल तो यही बनाते हैं, तो इसको भी चलना चाहिए लॉजिकली, तो इसलिए इसको लिया। IEX, टाटा पावर और अदानी पावर, पावर की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त ब्रू कर रही है आज क्या मतलब पिछले एक महीने से ब्रू कर रही है और आगे भी ब्रू करती हुई दिखे, क्योंकि डिमांड ऑल टाइम हाई पे चल रही पावर की, कोल की शॉर्टेज दिख रही है, तो उन कंपनियों को ज़्यादा फायदा होगा जो कंफर्ट जोन में है। और IEX इसलिए क्योंकि अब सरकार भी चाहती है कि ज़्यादातर पावर का जो
ट्रेडिंग हो वो IEX के जरिए ही होनी चाहिए।